आप सबको आपके अपने अनुज अवधेश मिश्रा का प्रणाम। सबसे पहले देरी के लिए क्षमा चाहेंगे और स्वागत करेंगे। गुड नाइट एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। और ये भोजपुरी अवार्ड हर साल की तरह इस साल भी एक भोजपुरी वार्षिक पर्व इसको कह सकते हैं, जिसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले हम मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री विनोद गुप्ता जी को, आकर के वो शुभारंभ करें। श्री विनोद गुप्ता जी। हर हर महादेव का तो नारा गुंजन होना चाहिए। आप यहां पे आके कुछ संबोधन करें। 11वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड में मैं हृदय से इस प्रांगण में उपस्थित सभी मेहमान का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि पहले दीप का प्रज्वलन किया जाए, और इसके लिए मैं हमारे इंडस्ट्री के महानायक और जिनको हम बचपन से देखा करते थे, मैं कुणाल सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वो स्वयं आए इसका दीप जलाकर इस समारोह का अभिनंदन करें। भैया के लिए कुणाल जी। साथ ही मैं पीपी अग्रवाल जी, अभय सिन्हा जी, ज्योति कलश जी, अभी हमारे बड़े भाई समीर जी आए हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि प्लीज आइए। शुभारंभ करने के पहले हम लोग गणेश वंदना करते हैं, तो मैं चाहूंगा आप सब गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक जोरदार ताली गणेश वंदना के लिए। नमस्कार। भोजपुरी हमारी जान है रवि भैया, और हमारी इसी से पहचान है, और यहाँ आए हुए हमारे मेहमानों से महफिल की बढ़ गई शान है, क्योंकि हम लोगों का यही तो असली कदरदान है। यहाँ आए हुए हमारे भोजपुरी के एक से एक महान हस्तियों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, गुड नाइट एक्टिव प्लस भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2016 में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ज्यादा समय न लेकर अब हम इस अवार्ड की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं अपना पहला नॉमिनेशन। तो जो पहली कैटेगरी है वो है बेस्ट पब्लिसिटी डिजाइन की, और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा अपने उस मेहमान को जिनके हाथों वो पत्ता खोला जाएगा कि ये अवार्ड मिला किसको है। बेस्ट पब्लिसिटी डिजाइन अवार्ड गोज टू नरसू निरहुआ रिक्शा वाला। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बेस्ट आर्ट डायरेक्शन। गुड नाइट एक्टिव प्लस भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2016 के आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर एम आई राज, आप मंच पर आए। बेस्ट आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड जाता है अंजनी तिवारी जी फिल्म हुकूमत के लिए।
अगली कैटेगरी है बेस्ट ऑडियोग्राफर। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा सिनेमाटोग्राफर फिरोज खान साहब को। यस सर। टाइगर साहब काम पे लगा दिया। जी 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 जी। दिस अवार्ड गोज टू सतीश पुजारी जी फ्रॉम गुलामी। वेरी गुड। कुछ नाच गाना होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? हाँ, मुझे समझ में आ रहा था पीछे देखकर कि ये बतासा पका रहा है, कुछ ज्यादा लग रहा है। तो दोस्तों, अब आप लोगों के बीच में परफॉर्म करने के लिए आ रही हैं पल्लवी ढोडियाल। लीजिए, लुत्फ उठाइए इनके परफॉर्मेंस का एक जोरदार ताली के साथ। क्या कि एक कुंटल के आदमी खाली डिस्टर्ब करे ला आके। भैया एक बात कहना था, नाराज नहीं होंगे ना? सारी हीरोइनों का टेंशन आप लोगों पे जा नहीं रहा है। 35 साल से एक ही आदमी हैंडसम, इतना सुंदर, खूबसूरत, सब अटेंशन ले ले रहे हैं कुणाल भैया। इनके आने के बाद किसी को फोन नहीं आता। दिनेश भैया गलत कह रहा हूँ? हाँ, और अब छाती खोल के, और अभी तो ऐसा बम फोड़ने जा रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। थैंक्स भैया, आप ऐसे मुस्कुराते रहिए, आप हम लोगों की शान हैं, हम लोगों के आदर्श हैं आप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुड नाइट एक्टिव प्लस हमारे स्पॉन्सर हैं। तो गुड नाइट एक्टिव प्लस भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2016 की जो अगली कैटेगरी है वो है मारधाड़ की बेस्ट एक्शन। बेस्ट एक्शन का अवार्ड देने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं जगदीश शर्मा जी, निर्देशक भोजपुरी इंडस्ट्री की शान। लिफाफा के अंदर से भाग के खोलिए। एक्शन डायरेक्टर अवार्ड गोज टू तीनू वर्मा फॉर गुलामी। हाथी घोड़ा। तो अगली कैटेगरी हो बेस्ट एडिटिंग। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं ब्रजेश त्रिपाठी भैया को, वो आए और बताएं कि ये पुरस्कार किसको मिल रहा है। ब्रजेश भैया स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, बेस्ट एडिटर का अवार्ड जाता है गुरजंत सिंह फिल्म दुलारा के लिए। गुड नाइट एक्टिव प्लस भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2016 की जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट सिनेमाटोग्राफी। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं राजकुमार आर पांडे जी को। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं सबको इस 11वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और स्वागत करता हूं कि ये हमारा अवार्ड जो है वो 11वें साल में आया है और हम सब इसके साक्षी हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। विनोद जी को बहुत बहुत बधाई कि आज 11वें साल में इसको लेकर आए हैं, और मेरी दुआ है कि ये निरंतर चलता रहे जब तक भोजपुरी हो, जब तक मिट्टी हो और जब तक ज़मीन हो। ये अवार्ड जो है बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का, मेरे सबसे चहेते जो सिनेमाटोग्राफर हैं, मुझे लगता समझ गए होंगे, वो तो 3 बार इन्होंने लिया है और ये 4थी बार है मिस्टर फिरोज खान को जाता है। सभी के लिए थैंक यू बोलूँगा, राजा बाबू की टीम के लिए जो, और जूरी के लिए जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, ये 4थी बार है। देन थैंक यू सो मच। कुणाल भैया ने पिछले 35-40 साल, भैया इतना हो गया होगा, 36 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री की सेवा करते रहे, मनोरंजन करते रहे, तब भी उनके उतने ही फैन थे, आज भी उनके उतने ही फैन हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा हो गए हैं। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भैया के सुपुत्र आकाश सिंह भी भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने अपना कदम रख रहे हैं और बहुत जल्द उनका सिनेमा आएगा और वो परफॉर्म करने आ रहे हैं, और उनके साथ आ रही गजब की ऊर्जा और प्यारी मुस्कान
भोजपुरी की जान रानी चटर्जी। कैसा लगा भाइयों? वाह, अब अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ा जाए। गुड नाइट एक्टिव प्लस भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2016 की जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट स्टोरी। दोस्तों, मंच पर बुलाना चाहूंगा शैलेंद्र श्रीवास्तव, जो कि एक बेहतरीन एक्टर हैं। प्लीज आप मंच पर आए। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी मित्र बैठे हुए हैं, रवि जी, राज जी, कुणाल भैया, आप सभी को दिल से नमस्कार। और बेस्ट स्टोरी अवार्ड गोज टू संतोष मिश्रा फॉर फिल्म दुलारा। कानू जी, थैंक यू संतोष, जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आए। धन्यवाद जूरी को जिन्होंने सेलेक्ट किया इस कहानी को। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई राज जी। और हमारी अगली कैटेगरी है स्टोरी के बाद नंबर आता है स्क्रीन प्ले। दोस्तों, मंच पर बुलाना चाहूंगा निर्माता मनवेंद्र राय जी को। मधु जी मंच पर आए प्लीज। एक जोरदार ताली मधु जी के लिए। और लिफाफा खोल कर बताएं कि ये पुरस्कार किसको जाता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड गोज टू मंजुल ठाकुर फॉर फिल्म राजा बाबू। मेरा नमस्कार। भोजपुरी फिल्म अवार्ड को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इसके लिए चुना। और सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा फिल्म के प्रोड्यूसर अखिलेश जी को, और दिनेश जी को, और फिल्म की पूरी यूनिट को, रवि सर को, और बस धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो मंजुल जी, बहुत बहुत बधाई हो। और अब स्क्रीन प्ले के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है संवाद। हाँ भैया, तो मंच पर बुलाना चाहूंगा पप्पू खन्ना जी को। बेस्ट डायलॉग अवार्ड गोज टू गुलामी मनोज पांडे। कुछ देर और बर्दाश्त कर सकेला कि कुछ व्यवस्था करी? हाँ तो ठीक बा, कुर्सी संभाल के रखिया। ऐसा प्रोग्राम हो वाला हो कि यहाँ तो हिलबे करी कुर्सी भी कूदे लगी। कहाँ से कि मंच पे आ रहा बानी सीमा सिंह, एक जोरदार ताली। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। गुड नाइट एक्टिव प्लस, खुश करो, खुश रहो, और सब इसी तरह से खुश नजर आ रहे हो। अब तो देश में बहुत खुशी की बात भी आ गई है। सब लोग के चेहरे पे खुश है, खुशी है, कुछ मायूस भी हैं, कुछ उदास भी हैं, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग बहुत खुश भी होंगे। जिनको देना है उनको न देने का बहाना मिल गया, जिनको लेना है उनका दुख तो जाहिर है कि परेशान है, उनको मिल नहीं पा रहा है। खैर, अभी हम बहुत जल्दी जल्दी में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, अपने अवार्ड की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अभी जो कैटेगरीज हम देने जा रहे हैं उसको बेस्ट लिरिक्स कहते हैं, मतलब सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड। जो बुलाना चाहूंगा इस अवार्ड को देने के लिए हमारी इंडस्ट्री के बहुत हैंडसम डायनेमिक प्रोड्यूसर श्री राहुल कपूर जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्मार्ट लग रहे हैं आप। स्मार्ट आदमी स्मार्ट पे स्मार्ट ही बोल सकता है ऑलवेज। 11th भोजपुरी अवार्ड बेस्ट लिरिक्स गोज टू प्यारे लाल यादव फॉर निरहुआ रिक्शा वाला। अपना पसीना से लिख तकदीर हो, केहू के आगे न हाथ फैला वेला, मेहनत के रोटी ही खाला। तो अगली कैटेगरी है हमारी बेस्ट फीमेल सिंगर।
मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे श्री अजय दीक्षित जी को। अजय दीक्षित जी, बेस्ट सिंगर फीमेल अवार्ड गोज टू बोलते जा नीतू सिंह फॉर राजा बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुल जी, थैंक यू अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दोस्त सीधा आगे बढ़ते हैं, अभी चलते हैं कि बेस्ट फीमेल सिंगर तो हो गया और फीमेल तो वैसे भी मेल के बिना अधूरी है, तो अगला जो हमारी प्रक्रिया है अवार्ड की वो है बेस्ट सिंगर मेल, और इसे देने के लिए मंच पे हम बुलाना चाहेंगे प्रेम प्रकाश दुबे जी, जो खुद ही एक बहुत अच्छे सुलझे हुए सिंगर है। प्रेम प्रकाश दुबे जी, सभी के राम राम भैया। बड़ी प्रसन्नता है, विनोद भाई को बधाई। और यह पुरस्कार श्री पवन सिंह जी को हुकूमत फिल्म के लिए चोलिए में गाने के लिए दिया जाता है। श्री पवन सिंह जी, प्रेम तो प्रेम है, चाहे राय हो चाहे दुबे हो। चलिए, पवन जी की आवाज वाकई एक ऐसी बात है, कही जाती है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। वाकई पवन जी की आवाज उनकी पहचान है। वैसे किसी इंसान की पहचान के पीछे चंद कुछ बातें होती हैं कि नाम से भी उसकी पहचान आंकी जाती है। क्या अब जैसे राजकुमार आर पांडे जी, राजकुमार एटीट्यूड में ही राजकुमार आता है इनके। प्रेम राय जी, दिखते भले जैसे भी हो लेकिन प्रेम थे इनको रस के माफिक टपकता है। कुणाल भैया के क्या कहने हैं। रानी चटर्जी हमारी इंडस्ट्री के देखिए सबके दिलों पर राज करती है रानी। रवि किशन, रवि मतलब प्रकाश और किशन जो कृष्ण की पता नहीं कितनी पटियानी पटरानी आती रवि जी की उससे ज्यादा है, तो नाम के हिसाब से गुण जरूर होता है। दिनेश लाल यादव, दिन काइश जो गरीबों का राजा, गरीबों के दिल पे राज करते हैं, सबसे बड़े सुपरस्टार बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो नाम का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। वैसे मेरे नाम का भी थोड़ा प्रभाव है, बड़े हमारे बुजुर्ग हैं। अवधेश, अवध का राजा, तीन रानियाँ उसकी, एक तो मेरे सामने बैठी है, दो की तलाश में हूँ। आप लोग ढूंढ देते हो, जरा मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल रानी की बात चली तो एक और जो हमारी इंडस्ट्री की बड़ी खूबसूरत रानी है, वो अपने कुछ नृत्य और संगीत के माध्यम से आप सबको सराबोर करने आ रही है। हमारी इंडस्ट्री की क्या बोल सकता हूँ, उसके शब्द कम पड़ गए हैं। हमारी ड्रीम गर्ल सुमी शर्मा जी, एक जोरदार ताली, एक धमाकेदार परफॉर्मेंस। हर चीज के शायद साथ शायद मापदंड होता है वक्त का, लेकिन एक इंसान किसी एक विधा में अगर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे और अपने हुनर से, अपने हुनर के प्रकाश से वो सबको प्रकाशित करे, दर्शक हो, सिनेमा हो, जो भी हो, उसके लिए इस मंच पे या हमारी सिनेमा इंडस्ट्री में एक श्रृंखला रखी गई है जिसे कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक ऐसा प्रतिष्ठित अवार्ड होता है जो अपना पूरा संपूर्ण जीवन समर्पित करने के बाद उस व्यक्तित्व को, उस कुछ बिरले को मिलता है। तो उसके लिए मंच में जिनको हम बुलाना चाहेंगे वो भी शायद बिरले ही होंगे, चूंकि वो भी एक ऐसी हस्ती हैं। इस अवार्ड फंक्शन के चेयरमैन श्री विनोद गुप्ता जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक ऐसे शख्सियत को जाता है हमेशा जो इस इंडस्ट्री को बहुत अमूल्य अपना समय दिया होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं समय के देखते हुए बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन बड़े भाई गोपाल राय जी को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। लोगों को
दोस्तों, मेरे भाइयों, जब मैं कुछ नहीं था तो मेरे माँ बाप थे, आज जब मैं कुछ हूँ मेरे माँ बाप नहीं है। लेकिन नहीं, मेरी दो माँ है, एक माँ ने जन्म दी, पाल पोस के बड़ी कर दी, और दूसरी मेरी भोजपुरी माँ जो मुझे बॉम्बे जैसे शहर में खड़ा कर दिया। 45 साल के बाद हमारे विनोद गुप्ता जी को ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया, ए विनोद गुप्ता, भोजपुरी के स्टार्ट हुआ हुआ इतना दिन हो गया, तुम इसको आगे बढ़ाओ। और जब से इन्होंने अवार्ड के लिए ये फंक्शन चालू किया, आज तक चल रहा है, अता जिंदगी चलता रहेगा। सबसे पहली पिक्चर थी मेरी गंगा किनारे मोरा गांव, जो मेरे बिग बे सुपर स्टार कुणाल जी हीरो थे, मैं उसमें एक छोटा मोटा निगेटिव कैरेक्टर किया था। हमारे गॉडफादर अशोक चंद्र जैन जी और स्वर्गीय डायरेक्टर दिलीप बोस जी, जिनके डायरेक्शन में मैं पहली बार उनके एक्शन में काम किया था, और राजकुमार पांडे जी कंटिन्यू मुझे रिपीट पे रिपीट करते रहे, और यहाँ पर हमारे जितने भी प्रोड्यूसर बैठे हैं सभी लोगों ने मुझे काम दिया और सब लोगों ने मुझे रिपीट भी की। मैं थोड़ा स्वाभिमानी हूँ, मैं चमचागिरी नहीं कर सकता, अपने मेहनत पे भरोसा करता हूँ, और इंडस्ट्री में जितने भी हीरो हैं सभी का हमने बच्चों का फादर का रोल किया हूँ, लेकिन किसी बच्चों ने बेटे की कमी नहीं दी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब एक स्पेशल अवार्ड जो हमारे विनोद गुप्ता जी की तरफ से दिया जाने वाला है, मैं विनोद गुप्ता जी को पुनः मंच पर बुलाना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी शख्सियत जो भोजपुरी को अपना प्यार दुलार हमेशा दिया और हिंदी को दिया पूरा, जिसे विश्व जानता, पूरा देश जानता है, आज आप सभी के बीच में उनको सम्मानित करने का मुझे मौका मिला, इस मंच को मौका मिला, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को मौका मिला, मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। ऐसे शख्सियत हैं श्री समीर जी, समीर जी को इस विशेष सम्मान से मैं स्वयं सम्मानित करना चाहता हूं, और साथ में मैं प्रेम प्रकाश से अनुरोध करता हूं कि साथ में मंच पर लेके आए। दो शब्द, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जब मुंबई आया तो मेरी रोजी रोटी भोजपुरी से मिली, और कम से कम 3-4 साल मैंने सर्वाइव किया भोजपुरी फिल्मों के माध्यम से। हिंदी फिल्मों में जब मैंने लिखना शुरू किया तब से लेके आज तक, जब जब मुझे मौका मिला, मैंने अपने प्रदेश की मिट्टी, अपने प्रदेश की भाषा, अपने प्रदेश के लोगों को हमेशा याद रखा। और जब आज आपने मुझे इस मंच पे बुलाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे वो डायलॉग गांव का बहुत याद आया कि हाथी घूमे गांव गांव, जेकर हाथी ओकर नाव। समीर सारी दुनिया के हो जाएं, मगर वो हमेशा आपके रहेंगे, आपके हैं और आपके रहेंगे। कहीं ना कहीं एक चीज़ से मैं नाराज़ भी हूँ, दुखी भी हूँ, कि जो बॉलीवुड में, जो हिंदी फिल्मों में मैं देखता हूँ, उसकी इतनी ज़्यादा झलक मुझे भोजपुरी फिल्मों में नज़र आ रही है। बहुत आप लोगों से गुजारिश है कि उस खुशबू को, उस मिट्टी को दूर मत जाने दीजिए। आज देखिए मराठी फिल्मों का जो उदय हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो उनकी ओरिजिनलिटी है। अगर भोजपुरी को आगे लेके जाना है तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। अब अगली कैटेगरी गुड नाइट एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो, भोजपुरी अवार्ड 2016 का अगला जो अवार्ड हम देने जा रहे हैं वो है बेस्ट संगीत, और इसे देने के लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे हेमंत सिंह जी को। हेलो हेलो,
गुड इवनिंग दोस्तों. बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड 2016 गोज टू मिस्टर अविनाश झा फिल्म हुकूमत. इनका ये नाम थोड़ा सब लोग शायद नहीं जान पाए हैं, थोड़ा ज्यादा म्यूजिकल नाम है इनका. हाँ, अविनाश से तो मैं भी चौंक गया था. घुंगरू जी इनको बोलते हैं, आप घुंगरू जी के नाम पे एक ताली बजा दीजिए जरा. ये अवार्ड मिलने का श्रेय हमारे श्रेयस फिल्म के निर्माता आदरणीय प्रेम राय जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने मौका दिया हुकूमत फिल्म में म्यूजिक करने का. शायद आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पाई है, अच्छा लगा और ये प्यार पा के बहुत खुश हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. अब हम अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं. गुड नाइट एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो, भोजपुरी अवार्ड 2016 की जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट कोरियोग्राफर. बेस्ट कोरियोग्राफर के अवार्ड देने के लिए मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री ऋषि पांडे जी. बड़ा सन्नाटा है भाई. बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड गोज टू संजय मास्टर फॉर फिल्म साथिया. साथिया, साथिया। साथिया, साथिया। मेरे पूरे साथियों को, मेरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ. प्रवीण जी, जो भी मेरे टीम थे साथिया का, केसारी जी, केसारी भैया, अब हम गुड नाइट एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो, भोजपुरी अवार्ड 2016 की अगली कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं और वो है बेस्ट कॉमेडी. तो इस अवार्ड को देने के लिए मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री विनोद पाटिल जी को एंड साकरे जी को. बहुत बहुत स्वागत है विनोद पाटिल जी और साकरे जी. बेस्ट एक्टर कॉमेडी अवार्ड गोज टू नेम मनोज टाइगर फिल्म दुलारा. राजकुमार भैया, मेरा दाहिना हाथ टूट गया था, उसके बाद भी आपने कैसे कैसे मुझसे शूटिंग करवाई और उसी सिनेमा के लिए मुझे अवार्ड मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को, सभी निर्माताओं, निर्देशकों, जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, जो कुछ भी हूँ, जो खा रहा हूँ, जो पी रहा हूँ, जो पहन रहा हूँ, भोजपुरी के अलावा और मेरे पास किसी का कुछ है नहीं, इसलिए इस भोजपुरी को बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, साकरे साहब, थैंक यू. अब अगली कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं. वैसे तो इस पे जन्मसिद्ध अधिकार मेरा, यानी कि हम तमाम इंडस्ट्री के विलन्स का है, चाहे मैं हूँ, चाहे करण पांडे हो, चाहे देव सिंह हो, अरुण काका हो, जितने विलन्स मौजूद हैं, प्रेम दुबे आप भी हैं, सब विलन्स के लिए ये जो अभी अगला अवार्ड है ये समर्पित है, चूँकि इस पर पहला अधिकार हमारा है और ये समर्पित है हमारे जो पितामह साहब ब्रजेश भैया ने न जाने कितनी बार इसका सामना किया है. तो बेस्ट आइटम गर्ल अली खान साहब. अली खान साहब प्लीज मंच पे आए. बिल्कुल सही आदमी के हाथ हो, सही अवार्ड जाने वाला है. गुड इवनिंग. बेस्ट आइटम डांस अवार्ड गोज टू सीमा सिंह. मैं पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को धन्यवाद करती हूँ, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे डायरेक्टर और मेरे कोरियोग्राफर, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू सो मच. क्या है? अच्छा, ये चिट्ठी, मोबाइल के जमाने में एक चिट्ठी आई है भाई, आप लोगों के लिए चिट्ठी आई है, उसको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो भाई मुश्किल है. हाँ, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं. खोलो चिट्ठी, मोबाइल का जमाना है, चिट्ठी आया, कुछ तो राज है. अरे बाप रे बाप, सीधा पाकिस्तान से चिट्ठी आई है साहब. हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम रहनुमाओं, आप सबसे दरखास्त है कि आप लोग अब हम पर रहम करें और पाकिस्तान आना बंद करें. सब लोग जरा ध्यान से सुने, वो क्या है ना कि एक बार कोई पटना से पाकिस्तान आया, हमारी ही बजाकर हमारे यहाँ की एक खूबसूरत लड़की को हिंदुस्तान क्या ले गया, कि
ये आप सबने तो अपनी आदत सी बना ली है, जिसको भी दुल्हन चाहिए सीधा पाकिस्तान टपक आता है। अब बताइए, आपके यहाँ दुल्हन की कोई कमी हो गई है क्या जो हमारे यहाँ आप लोग ढूंढने चले जाते हैं? देखिए, आपका इतनी आसानी से हमारे देश में घुस आना सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज़्यादा पीड़ादायक है हमारे लिए। बड़ी आसानी से मौका मिला, घुस गए तार के नीचे से पाकिस्तान। सही लिखा है जिन्हें भेजा पाकिस्तान एमएनसी ने। आपके इस हरकत से खौफ ज़्यादा होकर हमारे यहाँ के नौजवान आतंकवाद का चोला उतार कर खूबसूरत लड़कियों की रखवाली में लग गए हैं। बाप रे बाप, इतना दहशत डाल दिया है हमारी इंडस्ट्री ने पाकिस्तान पे। क्या है ना कि अब जिससे हमारे देश में आतंकवाद का तो बहुत नुकसान हो ही रहा है और हमारी बदनामी भी बड़ी हो रही है। अब आप लोग का मनोबल इतना बढ़ गया है कि खुलेआम हमें धमकी भी देने लगे हैं कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। बताइए, धमकी तक बात पहुँच जाएगी? अरे भाई, हम यही कहेंगे कि कश्मीर हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें कश्मीर, और ना ही हम आपके देश में अब जाली नोटों का व्यापार करेंगे, और ना ही अब हम हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजेंगे। बस हमारे पाकिस्तान पे फिल्म बनाना बंद करें भाई। तमाम जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं, इनसे विनंती है पाकिस्तान एमएससी का कि भैया प्लीज़ आप लोग पाकिस्तान पे फिल्म बनाना बंद करें। आप जितने समझदार लोग हैं समझ गए होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब पाकिस्तान की बात खत्म हुई, अब हम आते हैं हिंदुस्तान पे और भोजपुरी इंडस्ट्री पे। भोजपुरी इंडस्ट्री पे अभी एक ऐसी, क्या बोल सकता हूँ, एक ऐसी खूबसूरत हसीना मंच पे आने वाली है जिनकी संभावनाओं का कोई अंत नहीं है। हर लोगों के मन में वो संभावनाएं कूट कूट के भरी हुई है कि काश संभावना हमारे सामने होती। राहुल भैया के चेहरे पे देखिए कितनी मुस्कान आ गई, जवानी फूट फूट के आ रही है हर बुड्ढों के भी अंदर से। तो बहुत बहुत स्वागत है संभावना जी आपका मंच पे, एक जोरदार ताली। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विनोद गुप्ता भैया को, विनोद गुप्ता जी को, जो पिछले 11 वर्षों से इस अवार्ड की कड़ी को आगे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, पूरे साल भर मेहनत करते हैं, हम सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के भोजपुरी इंडस्ट्री की, भोजपुरी सिनेमा की सेवा में लगे हैं। विनोद भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ स्पेशल अवार्ड हैं जिन्हें देने के लिए सबसे पहले मंच पर बुलाऊंगा राहुल कपूर साहब को। वंस अगेन गुड इवनिंग। ये स्पेशल अवार्ड श्री समरजीत सिंह जी को जा रहा है। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है सर पत्रकारिता में, पीआरओ, आप बहुत पुराने, मुझे लगता है कि सबसे पुराने पीआरओ हैं। थैंक यू राहुल सर। और अब मैं मंच पर बुलाऊंगा दूसरा स्पेशल अवार्ड देने के लिए अभय सिन्हा जी को। स्पेशल अवार्ड गोज टू मेरे गुड फ्रेंड प्रेमराज जी। पर उपस्थित सब आदरणीय लोगों के गोड़ चुके प्रणाम कर जन से स्वीकार कर लिया। क्या बात है, अब लेके भोजपुरी ना बोल रहा, हम सोचने की तनी हम ही बोल रहे। हमारे बड़ भैया विनोद गुप्ता जी 11 साल से ये जन कार्यक्रम करत हम, उसमें बहुत मेहनत लगेला, बहुत लोगन का सब लोग सहयोग होला, बहुत लोग अच्छा भी बोले, बहुत लोग गाली भी देलन, बहुत लोग खराब भी बोले। तो मतलब एक दिन ऐसा आता है जो ये सबको इकट्ठा करते हैं और सबका प्यार ये पाते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगला स्पेशल अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कुणाल भैया को। जी राम का तो। हाँ सर प्लीज। okay. आप आते हैं तो बोलती बंद हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। इस अवार्ड को अनाउंस करने के पहले जरूर दो शब्द मैं विनोद गुप्ता जी के बारे में बोलना चाहूंगा। मैं जब आज से 36 वर्ष पहले जब मैं नायक बन के आया तो ऐसा कोई फंक्शन, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन विनोद गुप्ता जी ने जो भोजपुरी इंडस्ट्री को सम्मान देने का काम शुरू किया है,
एक जोरदार ताली आपसे उम्मीद करता हूं। और विनोद जी, आपके लिए एक शेर अर्ज करता हूं, चूंकि आपको मैंने कहा था कि आप भोजपुरिया गांधी हैं जो एक लाठी और आधी धोती में इस भोजपुरी अवार्ड फंक्शन को शुरू किया था। तो एक शेर आपके लिए, मैं तो अकेला ही चला था जानिवे मंजिल, मैं तो अकेला ही चला था जानिवे मंजिल, लोग साथ होते गए और कारवां बनता गया। और अब स्पेशल अवार्ड गोज टू ज्योति कलश आईएएस, एक जोरदार ताली। सबसे पहले तो मैं श्री विनोद गुप्ता जी का दिल से धन्यवाद देता हूं, जो मुझे समझे इस योग्य ये अवार्ड उन्होंने मुझे दिया। मेरा क्षेत्र कुछ और है, किसी और क्षेत्र में आ गया आप लोगों की वजह से। बस आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहे और आगे कदम बढ़ता रहे, यही हम चाहेंगे। दो शब्द कहना कि जब तक सूरज चांद रहेगा, भोजपुरी फिल्म अवार्ड तेरा नाम रहेगा। क्या बात है, थैंक यू। और अब मंच पर अगला स्पेशल अवार्ड देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य को बुलाना चाहूंगा। सुरेंद्र पाल सिंह जी, ये एक स्पेशल अवार्ड गोज टू श्री टीपी अग्रवाल जी, इम्पा के चेयरमैन। टीपी जी 7 बजे ही आ गए थे, बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आया जो इम्पा के प्रेसिडेंट है, और अभी जस्ट 15 मिनट पहले गए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उनका अवार्ड। मैं खुद रिसीव करता हूं और उनको बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारी इंडस्ट्री को हमेशा अपने एसोसिएशन के माध्यम से अभय जी के साथ मिलकर हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री को उन्होंने बड़ा सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला स्पेशल अवार्ड देने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं राधेश्याम गुप्ता जी को। नमस्कार। ये विशेष पुरस्कार जातबा श्री रवि किशन जी, सुल्तान ऑफ भोजपुरी। विनोद गुप्ता जी को ईश्वर इतनी शक्ति जैसे दिए हुए हैं, देते रहें कि ये सिलसिला जो भोजपुरी अवार्ड नाइट का चलता रहेगा सालों साल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और अगला स्पेशल अवार्ड देने के लिए बुला रहा हूं रानी चटर्जी जी को, ये सम्मान दें। रउआ सब लोगन के रानी के प्यार भरा नमस्कार। ओ स्पेशल अवार्ड गोज टू My favorite, my darling, my sweetheart. I think आधे लोग समझ गए होंगे। The sexy Sambhavna Seth. Wow. Oh wow. मतलब एक मिनट, मैंने जब पहली बार देखा था तब भी आप गुलाब के फूल थी, मैं गोभी का फूल बन गया हूं, लेकिन आप अभी भी गुलाब के फूल हैं। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। और जब अवार्ड मिला तो 2-3 तालियां दिखाई दी, बाकी सबको क्या हो गया। सॉरी मैं लेट आई तो मैंने तालियां नहीं देखी, मैंने मिस कर दी, बट थैंक यू सो मच। तालियां सबको अच्छी लगती हैं, तालियां किसी भी कलाकार के लिए बजे तो उसका अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच राजी। इतने साल हो गए भोजपुरी इंडस्ट्री में, और मैं हर बार हर साल मैं यही बोलती आई हूँ कि
आज जो भी मैं हूँ, चाहे मैंने हिंदी इंडस्ट्री में काम किया हो, चाहे मैंने बिग बॉस में किया हो, डांसिंग क्वीन का खिताब जीता हो, काफ़ी सारे आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबल रियलिटी शोज दैट आई हैव डन, ये सिर्फ और सिर्फ जो पॉसिबल हो पाया है वो भोजपुरी की वजह से हो पाया है। आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दो लड़कियों का नाम लेके बाकी पीछे इंतजार करते हैं, जा पीछे। अब एको और एक धमाका होके वाला बटे, धमाका होने वाला है, सही करी धमाका। एको ऐसा हीरोइन के जेकर हम बहुत बड़ा फैन है, जो खूबसूरती का पर्याय बा, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे सिनेमा अपना खूबसूरती का और टैलेंट का उन्होंने जौहर दिखाया है, और अब आपके सामने आ रही हैं मीठा मीठा स्वीट स्वीट स्वीटी छाबड़ा। अगली कैटेगरी है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल। मंच पर बुलाना चाहूंगा स्वीटी वालिया जी को और विपुल जी को। स्वीटी जी और विपुल जी, इनके लिए जोरदार ताली। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फीमेल अवार्ड गोज टू, यस यू आर राइट, वंदनी मिश्रा। वाह वंदनी जी, फॉर दुलारा। अब हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है सपोर्टिंग एक्टर मेल। मंच पर बुलाना चाहूंगा पुष्पा वर्मा जी को। सब हीरोइन के फेल कर देते नहीं रहूंगा। देखिए भोजपुरी फिल्म जब से शुरू हुई इसका कद्र नहीं था। मेरे कहने का मतलब है कि भोजपुरी भाषा को, जो कि हिंदुस्तान की सारी भाषाओं की एक बहन है, मगर उसे कभी एक उच्च स्थान नहीं मिला, उसे बड़ी ही निम्न नज़र से लोग देखते थे। खैर किसी तरह इस फिल्में बनने लगीं, फिल्में हिट भी हुई, मगर वो जो उन्हें स्थान मिलना चाहिए, जो स्थान हमारे कलाकारों को मिलना चाहिए, वो बाद में भी नहीं मिल सका। मगर मिस्टर गुप्ता जी ने ये मंच देकर हमारे कलाकारों के अंदर आत्मविश्वास भरा। इसके लिए गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा आशीर्वाद भी उनको है कि भविष्य में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को विश्व में ले जाए। अच्छा देखिए लोग, ये बेस्ट सपोर्टिंग के जेकरा अवार्ड मिलल बा, उनका नाम है गोपाल जी, गोपाल राय। पूरे टेक्नीशियन के प्रणाम करा था नी राजा बाबू के। अखिलेश जी को, प्रोड्यूसर को मैं नमस्कार करता हूँ, और पूरे टेक्नीशियन को मैं नमस्कार करता हूँ, कैमरामैन फिरोज भाई को भी नमस्कार करता हूँ, हमारे जितने भी प्रोड्यूसर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उन सब लोगों को मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत बधाई गोपाल भैया, हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। अगली कैटेगरी है बेस्ट खलनायक। मंच पर बुलाना चाहूंगा प्रेम राय भैया को। फिर से एक बार सबके प्रणाम। बेस्ट एक्टर नेगेटिव अवार्ड गोज टू मिस्टर संजय पांडे, हमारे फिल्म हुकुम। भाभी जी बहुत बहुत बधाई हो। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मली मैं हर जगह जब भी जाती हूँ कहीं तो लेट हो जाती हूँ, बट आज यहाँ पर एक घंटे पहले आकर के बैठी थी। क्या बात है। आपने और मुझे उम्मीद नहीं थी कि अवार्ड मिलेगा, जैसा कि भोजपुरी में नॉर्मली मेरे हस्बैंड को कम अवार्ड मिलता है, तो कोई बात नहीं। ये सरप्राइज था मेरे लिए और बहुत अच्छा लग रहा, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं। तो ये सही समय पर और सही हाथों पर दिया गया। क्या बात है।
थैंक यू सो मच। अरे बाप रे बाप, ये तो दोहा कतर से आई है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड गोज टू अब कुछ मजेदार प्रोग्राम हो चाहिए। हाँ तब तो हम लोगों के स्पेशल कलाकार के बुलावत हई। सैया यार बगैले ना अरब से आ गए हमें। खेसारी भाई को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, एंजॉय कीजिए। गुड नाइट एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। भोजपुरी अवार्ड 2016 में आप सबका पुनः एक बार बहुत 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 स्वागत है। अब क्या है ना कि वे वाकई अब तो चिट्ठियों का सिलसिला ही बढ़ गया। एक और चिट्ठी आई है भैया, अब पता नहीं चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, सोशल बात है कि एंटी सोशल बात है वो नहीं मालूम है, क्योंकि ये मन सोशल है और अभी जो हम कैटेगरी पे जा रहे हैं वो भी एक सामाजिक मुद्दे पे ही, जिस फिल्म में बल दिया जाता है उसको हम कहते हैं बेस्ट फिल्म सोशल इशू पे। हम इसे देने के लिए बुलाना चाहेंगे मंच पे RC गुप्ता जी और शोभी शर्मा जी को। आरसी गुप्ता जी आइए आइए। गुलामी पिक्चर के लिए अभय सिन्हा जी, समीर आफ्ताब जी, बहुत बहुत बधाई हो अभय भैया। सोशल इशू का है कुछ, सामाजिक तो आप भी हैं। डायरेक्टर, आपने डायरेक्टर को धन्यवाद देंगे, टीनू वर्मा जी और दिनेश जी को, उन लोगों का स्टोरी था हमने फिल्म प्रोड्यूस किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ते हैं, एक कैटेगरीज है हम लोगों के बीच में पॉपुलर कैटेगरीज। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा इस अवार्ड को देने के लिए आनंद सिंह जी को, हंसिका सिंह जी को जो डायरेक्टर हैं ऑस्कर चैनल के। आप बताए ना, बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड गोज टू निरहुआ रिक्शा वाला टू। निरहुआ रिक्शा वाला टू, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, एक पॉपुलर फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी टीम की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए पॉपुलर टीम की ज़रूरत होती है, तो टीम अच्छी रही होगी तभी अच्छी फिल्म बनी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा निरहुआ रिक्शा वाला की पूरी टीम को, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश जी, राहुल जी, सतीश जी। ये फिल्म इतनी अच्छी इसलिए बन पाई क्योंकि मेरे जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, राहुल जी और परवेश जी, इन्होंने मुझे पूरी छूट दी थी, पूरा इंडिपेंडेंस दिया और पूरा फ्रीडम दिया फिल्म को जैसा चाहूँ वैसा बनाने के लिए। इसलिए दिनेश जी को और पूरी टीम को, एंटायर टीम को, राहुल खान जी को, परवेश जी को, सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं सोच रहा हूँ कि शायद कुछ चिट्ठी उठी पढ़ दें, शायद कुछ अच्छी बात लिखी हो। हाँ, जो चूंकि जो कैटेगरी जाई है उसके लिए कुछ होगा। जितने महानुभाव हमारे पीछे के चेयर पे बैठे हुए हैं वो भी जरा गौर से सुने, शायद ये चिट्ठी कहाँ से आई है। अरे बाप रे बाप, ये तो दोहा कतर से आई है। जनाब भोजपुरी फिल्म के हीरोज, प्रभु जितने भी हीरोज हैं उनके लिए ये संबोधित हैं। प्रभु आपसे मुखातिब हो रहा हूँ मैं, ये हो क्या रहा है? दरअसल भोजपुरी फिल्मों की हमारे देश में पॉपुलरिटी से प्रभावित होकर हमने आपकी अभिनेत्रियों का यहाँ स्टेज शो कराने का सिलसिला शुरू किया। हाँ, आजकल बहुत स्टेज शो हो रहे हैं, अभी सब लोग जाकर के आए वहाँ पे। लेकिन ये क्या, अब तो कुछ अभिनेत्रियाँ यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो कहती हैं कि हमें यहीं पर स्टेज शो करना है। रीज़न, क्योंकि फिल्मों में काम अब हमारे लिए रह नहीं गया है। क्यों भाई,
वजह पूछने पर वो बड़े ही दुखी मन से कहती हैं कि वहाँ भोजपुरी फिल्मों का हर बड़ा हीरो अपनी अपनी जोड़ी बना के रखा। प्रभु हैं आप, प्रभु हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं और जहाँ जहाँ हमारी कोई गुंजाइश नहीं है और जहाँ हमारी गुंजाइश है वहाँ बड़ा हीरो नहीं है, यह भी एक बहुत दर्द की बात है। इसलिए जब तक और बड़े हीरोज मार्केट में नहीं आए या फिर किसी की जब तक जोड़ी नहीं टूटे, भाई दुआ करूँगा कि जोड़ी नहीं टूटे, या किसी की जब तक जोड़ी नहीं टूटे तब तक हमारे लिए यही स्टेज शो का ही एक सहारा रह गया है। अब जनाब आप लोग समझदार हैं, इस मसले को बड़ा नाजुक स्तर पे लेंगे। हाँ चिट्ठी आई है दोहा कतर से, आइए बेटा जहाँ आप जाती हैं प्रोग्राम देने, सब लोग जाती हैं। देखिए अवधेश अकेला ने ये इस मंच पे पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से, ये मंच एक साल में एक बार ऐसा पर्व करता है जिसमें पूरी इंडस्ट्री तमाम बड़े छोटे अच्छे बुरे मेरे जैसे भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो भाई साहब अब चूंकि बात हीरोइन की हो गई, हीरोइन का दर्द हमने पढ़ दिया है, तो जो अगली कैटेगरी है पॉपुलर कैटेगरी में वो हीरोइन को ही दे दिया जाए, तो मैं इसके लिए कोई नॉमिनेशन नहीं है। तो अब बुलाता हूँ मैं मंच पे भूपेश जी को, बुलाना चाहूँगा, वो इंडिया हेड हैं जयादश कंपनी के। भूपेश जी छोटी बच्ची आपके साथ में है। Congratulations to all the winners and the best popular actress of female award goes to Rani Chatterjee. सबके दिलों पे राज करती है। Thank you so much. ये award कि हकदार सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ साथ पूरी इंडस्ट्री और पूरे दर्शक हैं। ये बहुत मेहनत से पाया हुआ अवार्ड है और मैं उन सभी एक्ट्रेसेस को डेडिकेट करती हूँ जो अपने ईमानदारी से और अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती हैं और जो मेहनत कर रही हैं, और ये जिन्होंने भी चिट्ठी लिखी है बहुत सच लिखा है और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री में सभी काम करने आए हैं और सभी काम करने के पीछे सबका एक बहुत बड़ा सपना होता है और उसे चूर करने का हक किसी और को नहीं है। लव यू ऑल। थैंक यू रानी, लेकिन जाते जाते तुम झगड़ा लगा के जा रही हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जाते जाते झगड़ा लगा के जा रही है, पता नहीं लोग सच में समझ लेंगे कि मैंने चिट्ठी लिखी है। भाई मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, मुझे लिखना आता नहीं है, दूसरे क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ मैं। चलिए इससे पहले कि अगली कैटेगरीज में हमारे हीरो की कैटेगरीज समझ ही गए होंगे, आकर के मंच पे ही क्लाइमेक्स शुरू कर दें, मैं बुलाना चाहूँगा बेस्ट पॉपुलर कैटेगरीज में हीरो का अवार्ड देने के लिए वंदना वंदिनी जी और कानू मुखर्जी जी। इतनी खूबसूरत माँ जी, मेरे लिए क्या बोले आपसे गले मिल लूं, मिल लूं। बेस्ट पॉपुलर एक्टर अवार्ड गोज टू खेसारी लाल यादव। खेसारी जी, मुझे मत देखिए, ऐसे मत देखिए, आपके तरफ मेरा कोई इशारा नहीं, अब तो दुआ कतर जा भी रहे मालिक। इस चिट्ठी से सिर्फ हीरोइने परेशान नहीं है, प्रोड्यूसर भी परेशान है। मतलब इस चिट्ठी ने सबके दिल का दर्द बता दिया। मैं एक प्रोड्यूसर के पास बैठा था, उसमें सारे ने अपना दर्द जाहिर किया। चलिए जितने लोग हमारे, अब बुजुर्ग तो किसी को नहीं कहूँगा क्योंकि सब किसी को बुरा लग जाएगा।
इसलिए जितने भी हमारे पिता तुल है, हमारे भाई तुल जो बड़े भाई है, सबको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। कैसे बारी बारी छुए में बड़ा टाइम लग जाए। और सबसे पहले इस वार्ड, ये जो अवार्ड है, मैं उन शहीदों को समर्पित करता हूँ जो हमारे देश के लिए जान दे दिए। तो उन शहीदों के लिए जो हमारे रक्षा के लिए अपनी जान दी, उन लोगों के लिए मैं समर्पित करता हूँ ये। क्या बात है, थैंक यू, लव यू, आई लव यू, लव यू, आई लव यू दीदी। अब आगे बढ़ते, पॉपुलर कैटेगरी तो हो गई, अब हम जूरी अवार्ड, जो मतलब जेन्यून, जो जूरी जो जिसको बोलते हैं, जिसको जूरी तय करती है, ये बहुत जेन्यून अवार्ड इस बार संजय जी को मिलना चाहिए था, मिला। ओहो, आपका भी नाम रागिनी है, मेरी बीवी का भी नाम रागिनी है, संजय भी विलेन है, हम भी विलेन है, आप भी खूबसूरत हैं, वो भी खूबसूरत है, वो भी पीछे बैठी है, अभी वही बैठी। मैं चलता हूँ जूरी के तरफ, और जूरी अवार्ड में जो पहला जो नॉमिनेशन है वो है बेस्ट एक्टर फीमेल का, और मैं चाहूँगा कि गुड नाइट एक्टिव प्लस पुश करो, खुश रहो, भोजपुरी अवार्ड 2016 का नॉमिनेशन बेस्ट एक्ट्रेस, इस अवार्ड को देने के लिए मंच पे बुलाना चाहूँगा श्री विनोद गुप्ता जी को और स्वीटी वालिया जी को। The best female award goes to Amrapali Dubey. थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं मेरे प्रोड्यूसर अखिलेश जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मंजुल जी मेरे डायरेक्टर जिन्होंने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मुझे दी, एंड थैंक यू, आई होप मोर टू कम, थैंक यू। तो हम बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ, वो है बेस्ट एक्टर जूरी अवार्ड, बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट एक्टर मेल के अवार्ड देने के लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे ज्योति कलश जी, IAS। ये अवार्ड बेस्ट मेल एक्टर का है, दिल की धड़कन तो बढ़ी जाती है। मेरी बढ़ रही हो, हीरो आ रहा है कोई। क्यों हंस रहे हैं सर? वेलन में तो हीरो बन जाते, क्यों पिटवाना चाह रहे हैं? कभी कभी हीरो का भी रोल किया करो। हीरो तो मैं आम जीवन का हूं, सारी हीरोइनें मेरी तो हैं। एंड दिस अवार्ड गोज टू दिनेश लाल यादव। ओ दिनेश जी, ये रहुआ रिक्शा वाला पार्ट टू। आप सभी को प्रणाम, और ये कहना चाहूँगा कि मैं तो एक सिंगर था, गायक से यहाँ आया काम करने के लिए, पर इस अवार्ड को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा यहाँ जितने भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हर किसी का हाथ है, चाहे वो रानी जी हो, चाहे वो संभावना जी हो, राजकुमार पांडे जी, एक एक चीज़ सिखाया इन लोगों ने मुझे, सुभी जी हैं, कुणाल सर हैं, अभय भैया हैं, आप सब लोगों से मैं सीखता हूं, इसलिए मैं आप सबको अपना गुरु मानता हूं, आपने सिखाया है मुझे, मुझे आता कुछ भी नहीं था, पर आप लोगों ने एक एक चीज़ मुझे सिखाया, ऐसे करो, ऐसे करो, ये अच्छा होगा। तो ये अवार्ड पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू। अब बहुत हो गया, पता नहीं चेहरे का रंग कुछ मेरा भी उड़ रहा है और सामने वाले को भी उड़ा हुआ है, तो एक धमाकेदार प्रस्तुति करते हैं अम्रपाली दुबे जी और दिनेश लाल यादव जी, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट एक्ट्रेस का एक धमाकेदार परफॉर्मेंस, जो दोनों अपने नाम को सार्थक करते हैं, दिनेश जी और अम्रपाली जी, एक जोरदार परफॉर्मेंस, जोरदार तालियों के साथ, थैंक यू।
हमारी ये कैटेगरीज में जूरी मेंशन अवार्ड है उसमें जिस फिल्म को लाया गया है वो है माननीय श्री राजकुमार आर पांडे जी की फिल्म दुलारा, जिसमें किसी ऐसे विषय को एक लौंडा नाच जो तकरीबन विलुप्त हो चुका था, तो उस लौंडा नाच जिसको भिखारी ठाकुर ने अपने लेवल पे जिया, उसके बाद राजकुमार पांडे जी ने अपने फिल्म दुलारा में उसको इस बखूबी पेश किया। तो मैं चाहूँगा राजकुमार पांडे जी आप मंच पे आएं और आपको ये अवार्ड देने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा काजल राघवानी जी, योगेश माने जी और पुनः हम गलत कहीं नहीं थे फिर वही जोड़ी हीरोइन की खेसारी लाल यादव जी। खेसारी लाल यादव जी प्लीज वेलकम। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अवार्ड जाता है स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड मेरे स्पेशल राजकुमार सर जी के लिए। प्रभु दो शब्द आप भी बोलने खेसारी जी। बधाई हो सर, दिल से थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये फिल्म जो जूरी ने मेंशन किया है इस फिल्म को, और जो प्रथा लुप्त हो चुकी थी लौंडा नाच, वो सब्जेक्ट सार्थक तभी हो पाया जब प्रदीप पांडे चिंटू जो इस फिल्म के हीरो हैं उन्होंने उसको निभाया। जब भी कोई मेरे हाथ में दो बार अवार्ड अगर आया तो जिस फिल्म में मेरा बेटा हीरो था उसी फिल्म में आया है, मैं उसको बाप के नाते नहीं एक टेक्नीशियन के नाते ज़रूर धन्यवाद कहूँगा। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू जूरी, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू राज जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राज जी, खेसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, काजल जी ये जोड़ी सलामत रहे। अब हम बढ़ते हैं अगले अवार्ड कैटेगरीज की तरफ, गुड नाइट एक्टिव प्लस पुश करो खुश रहो भोजपुरी अवार्ड 2016। अगली जो कैटेगरी है वो है बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरीज। इस अवार्ड को देने के लिए मंच पे बुलाना चाहूँगा श्री रत्नाकर कुमार जी और अटलांटा कश्यप जी। मैं नाम सही बोला ना अटलांटा कश्यप? मुस्कान बता रही है जी। रत्नाकर जी आप प्लीज इस अवार्ड की घोषणा करें किनको जा रहा है बेस्ट डायरेक्टर। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। सो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड गोज टू मिस्टर एनिगेस, ओ माय गॉड वेरी ब्यूटीफुल नेम। मिस्टर मंजुल ठाकुर फॉर राजा बाबू। ये अवार्ड जो है इनको अभी नहीं मिलेगा क्योंकि जो सीनियर पर्सन है अभय जी सुरेंद्र पाल जी, ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है तो आई थिंक आप लोग सीनियर हो। बस ये आखिरी कैटेगरीज है बेस्ट फिल्म ऑफ दिस ईयर, गुड नाइट एक्टिव प्लस पुश करो खुश रहो भोजपुरी अवार्ड 2016 बेस्ट फिल्म। ये अवार्ड देने के लिए मंच पे बुलाना चाहूंगा जेपी शर्मा जी और संभावना सेठ जी। जेपी शर्मा जी टेलीविजन के बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर, महादेव देखता था मैं, महादेव जी बेस्ट फिल्म ऑफ दिस ईयर, गुड नाइट एक्टिव प्लस पुश करो खुश रहो भोजपुरी अवार्ड 2016 बेस्ट फिल्म। एंड द बेस्ट फिल्म गोज टू, एनी गेसेस, एनी गेसेस, दुलारा। यहां से कुछ और आवाज आ रही थी, राजा बाबू। ओके एंड द बेस्ट फिल्म अवार्ड गोज टू अंजना अखिलेश सिंह फॉर राजा बाबू। सबको धन्यवाद, स्पेशली थैंक अखिलेश भैया एंड मंजुल ठाकुर जी, थैंक यू, 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 थ
थैंक यू सो मच, थैंक यू जेपी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी आज भोजपुरी अवार्ड 2016 गुड नाइट पुश करो खुश रहो का। मैं चाहूंगा कि जो जो हमारे इस प्रतियोगिता इस अवार्ड फंक्शन में विजयी हुए मंच पे आए, एक कर्टन कॉल है प्लीज।